अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जो मुकालमा पेश करने जा रहे हैं वो है एक दारुल हुदा का लड़का और एक देहाती दोस्त की मुलाकात। कौन है? देखो तो थोड़ा। उठे उठे आपको चोट नहीं लगी ना? नहीं लगा जनाब, मैं दुकान की तरफ जा रहा था। ए नफीस भाई, अस्सलामु अलैकुम। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अरे मैं बिंदास हूँ, तुम बताओ। अल्लाह के फजल करम से खैरो आफियत हो। अरे छोड़े, ये व्हाइट व्हाइट पंजाबी और जुब्बा पहन के कहाँ पूछ सकता है। अब तहजीब से बात करो जनाब, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आफोन ब्रो, माफी के तलबगार हूँ, लेकिन आप कहाँ रहते हैं, नजर नहीं आते। मियां, मैं एक अजीब हुसन इदारा जामिया दारुल हुदा में तालीम हासिल करता हूँ। मोहतरम दोस्त, दारुल हुदा कहाँ मौजूद है? अरे मोहतरम दोस्त, दारुल हुदा केरला में मौजूद है। जब वेस्ट बंगाल से जाते जाते 3 दिन तक लग जाते हैं। जनाब दारुल हुदा सिर्फ केरला में ही मौजूद है? नहीं नहीं, वो तो दारुल हुदा का मेन कैंपस है, और भी कैंपस मौजूद है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका, मुंबई और आंध्र प्रदेश में भी कैंपस मौजूद है। अच्छा जनाब, दारुल हुदा को किसने कायम किया है? जनाब दारुल हुदा को बाबूटिया जी नाम का एक बड़ा आदमी ने कायम किया है, और उनके साथ एमएम बशीर मुसलिया, सीएच हाइड्रोस मुसलिया भी शामिल थे। ओ जनाब, आप दारुल हुदा में क्या क्या पढ़ते हैं? जनाब हम लोग दारुल हुदा में कुरान, हदीस, फिक, तफसीर, सोशल साइंस, मैथ, आईटी और मस्जिद कोर्स पढ़ता हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, और आपके इदारे में और क्या क्या सहूलियत मौजूद है जनाब? हमारे इदारे में दो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, जो बाबूटिया जी और दारुल हुकमा के नाम पर है, और फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल का वैसे मैदान, ऑडिटोरियम और खाने के लिए बड़ा सा डाइनिंग हॉल मौजूद है, जहाँ पर 5 वक्त खाना मिलता है। आपको 5 वक्त खाना मिलता है? हाँ जनाब, आपको खाने में क्या क्या मिलता है? जनाब हम लोग खाने में इडली, फूट, डोसा, सांभर और चिला मिलता है, और भी बहुत कुछ मिलता है। अरे वाह, लगता है नफीस जाएगा दार खाएगा, सुनकर मुंह में पानी आ गया। क्यों पानी नहीं आएगा जनाब, इतने लजीज खाना जो है, जैसे कि हमारे यहाँ जर्दा पुलाव, नाग गोश्त। ओ जनाब, आप क्या हुआ, आप इतने देर से मुझे सवाल करे जा रहे हैं, तो आप बोलिए आप क्या काम करते हैं? क्या हुआ? बहुत अफसोस की बात है, बाद में बोलूँगा। नहीं नहीं, मुझे इधर तो बोलिए। मैं खेत में काम करता हूँ। इतने छोटे उम्र में आप खेत में काम करते हैं, पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है तो क्या होगा, हमारे इधर में तो मुफ्त में पढ़ाई होती है। सच में? हाँ। क्या मेरा दाखिला हो सकता है? जरूर, आपका भी दाखिला हो सकता है। जनाब दाखिला कब से शुरू होता है? जनाब दाखिला 1 रमजान से लेकर 5 रमजान तक शुरू हो जाता है। खैर वो सब छोड़िए, चला नमाज पढ़ने चलते हैं, नमाज का वक्त हो गया है। जनाब मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता है। नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा आपको। आप मुझे बाद में सिखा दीजिएगा। अच्छा जनाब, आपका मोबाइल नंबर क्या है? लीजिए बोलिए। 83। जनाब मुझे इंग्लिश नहीं आता है। उर्दू आती है? उर्दू, उर्दू थोड़ा थोड़ा आता है। उर्दू में लिखिए 83 83 45 45 0 0 5 5 91 91 32 32। कभी कभी जरूरत होगी ना तो जरूर मुझे फोन करना, फिर से मिलेंगे, दुआ में याद रखना। नमाज के लिए और दाखिले आपको जरूर कॉल करेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा नमाज तो वक्त हो गया, मैं जाता हूँ। ठीक है जाइए, अस्सलामु अलैकुम।